नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 18 मार्च से चलेगा मास्क चेक इन अभियान। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को प्रभावी बनाने की दिशा में झारखंड के सभी जिले में मास्क चेक इन अभियान चलेगा। बता दें, गुरुवार यानी 18 मार्च 2021 से अभियान शुरू होगा। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनने, वरना कार्रवाई होगी। बता दें, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन ने राज्य के सभी DC को पत्र लिखा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आगामी 20 से 22 मार्च तक एक बार फिर बारिश के आसार हैं। बता दें, आसमान में बादल छाए रहेंगे, वहीं तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में एक बार फिर परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल अगले 48 घंटों तक आसमान साफ होने की उम्मीद है। झारखंड में टेक्निकल एजुकेशन वाले बेरोजगारों को प्रतिमाह 5,000 रुपये। झारखंड सरकार ने युवाओं और बेरोजगारों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। बता दें, सरकार ने अपने बजट सत्र के दौरान कई बड़े ऐलान किए। CM हेमंत सोरेन ने बढ़ती बेरोजगारी के दौरान युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए कई हितकारी योजनाओं को शुरू करने का ऐलान किया। बता दें, CM ने राज्य में टेक्निकल एजुकेशन वाले ऐसे छात्र जो बेरोजगार हैं को 5,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। निजी स्कूलों के बारे में सरकार ने लिया बड़ा फैसला। निजी स्कूलों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बता दें, राज्य सरकार निजी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से संबद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्रित प्रमाण पत्र 45 दिनों में अनिवार्य रूप से प्रदान करेगी, बशर्ते स्कूल इसके लिए आवश्यक अर्हता रखते हो। बता दें, राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनापत्रित प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए इसे झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के दायरे में लाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में कुपोषण के खिलाफ चलेगा 1,000 दिन का महाअभियान। झारखंड में राज्य सरकार ने कुपोषण पर कुठाराघात की पहल की है। बता दें, राज्य की माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार कर कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1,000 दिन के महाअभियान के साथ इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए विशेष तौर पर समर प्रोजेक्ट अगले 3 वर्ष के लिए शुरू किया जा रहा है। बता दें, कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच CM हेमंत बोले, अभी सब कंट्रोल में। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। बता दें, राजधानी रांची के बाद अब इस्पात नगरी जमशेदपुर में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं। बता दें, रांची में 45 कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है, वहीं जमशेदपुर में 18 संक्रमित पाए गए हैं। CM हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि राज्य में लगभग 550 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। राज्य के हर जिले में हमने नज़र रखी हुई है, हमने पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन की व्यवस्था की हुई है। हमारे राज्य में अभी सब कंट्रोल में है और इसे बनाए रखने के लिए हम और मजबूती से काम करेंगे। झारखंड के 27 खिलाड़ी बने कांस्टेबल। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जबकि शेष 9 खिलाड़ियों की कागजाती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जबकि 1 खिलाड़ी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। बता दें, इस दौरान CM श्री सोरेन ने इन खिलाड़ियों की बेहतर भविष्य की कामना भी की। नवनियुक्त खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल बनाकर अलग अलग जिलों में भेजा गया है। ऑफलाइन कक्षा शुरू करने की तैयारी में निजी विद्यालय। राज्य सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षा शुरू होगी। हालांकि सरकार ने 1 मार्च से 8वीं कक्षा के अलावा 9वीं, 10वीं, 12वीं कक्षाओं के लिए ही स्कूल खोलने का आदेश दिया था, लेकिन राजधानी के निजी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा होने के कारण स्कूलों में कक्षाएं शुरू नहीं हुई और विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ही परीक्षा दी। वहीं नए शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए स्कूल प्रबंधकों ने नई व्यवस्था के साथ स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें, DPS स्कूल ने सम व विषम मॉडल पर बच्चों को स्कूल आने का नोटिस दिया है। हॉकी में झारखंड और हरियाणा फाइनल में। झारखंड के सिमडेगा में खेले जा रहे राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल हरियाणा और झारखंड की टीम के बीच खेला जाएगा। बता दें, फाइनल खेल गुरुवार को शाम 3 बजे से खेला जाएगा। वहीं पहले सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने अपना दबदबा कायम रखते हुए उत्तर प्रदेश को 10-0 से पराजित कर दिया है।
झारखंड में आज 82 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 45, पूर्वी सिंहभूम से 17, बोकारो से 5, पश्चिमी सिंहभूम से 4, धनबाद से 3, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1, सरायकेला से 1, गुमला से 5 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1094 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 599 है। भारत में 35,838 नए केस मिले हैं। बता दें भारत में कुल मौत की संख्या 1,59,250 है, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 2,49,197 है। धन्यवाद। आवश्यक सूचना, कल से आपको सुबह प्रतिदिन 4:30 में 25 खबरें नियमित रूप से मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।